तारा की कैसा लग रहा है। एंड रोज सुबह को मुझे डिस्टर्ब करता है और आज मैं इसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। उठ 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 जा उठ जा उठना उठ उठना घूमती का उठो दादा उठो घूमती के उठो दादा उठो। कैसे सो रहे हो इतना टाइम तक, कैसे सो रहे हो, उठ जाओ। अरे उठ 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 काम से उठ कितना काम करना है उठ। डेली सकालबेला আমার জ্বালায় আজকে আমি ওরে জ্বালাম। वो रोज सुबह को मेरे को ना क्या करते हैं, मैं सोती रहती हूँ, ये पहले उठ जाता है और ये क्या करता है पता है, मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेरे साथ करता है। मैं सोती रहती हूँ तो मेरे मुंह के अंदर ऊपर कुछ रख देगा, मतलब फिर तकिया रख देगा, नहीं तो मेरा मुंह ऐसे धाग ऐसे नाक बंद कर देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करेगा, मतलब गड़बड़ी। तो फिर मैं उठ जाती हूँ ना, मेरा नींद खुल जाता है और आज 8:30 बज गया, अभी तक नहीं उठा। आज तो मैं इसको उठा के रहूँगी, ये तो इसको गुस्सा आएगा ना, फिर कैमरा वैमरा तोड़ने का बात करेगा ये। तो छोड़ दो बच्चे को, माफ़ किया। चलो बैक टू द व्लॉग। आज 26 जुलाई और आज का डे वेदर अपडेट, थोड़ा सा ज़्यादा सनी नहीं है, क्लाउडी क्लाउडी है, लेकिन गर्मी उतनी ही है भयंकर वाली। एनीवे गाइस, मेरा सुबह को ब्रश वगैरह हो गया, सोचा था ब्रश से शुरू करूँगी अपना डे, लेकिन नहीं हो पाया। एंड यू नो आई एम लुकिंग क्यूट, आई नो। एक क्लिप सुबह सुबह उठ के मैंने लगा लिया, सामने पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा लगा लेते हैं क्योंकि इसमें मैं काफ़ी क्यूट लगती हूँ। और ये जो लेयर आता है ना, लुक एट दिस कर्ल, इट लुक्स ग्रेट, इट लुक्स सो ग्रेट। एनीवे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज का प्लान वैसे तो कुछ है, मतलब बाहर जाने का थोड़ा चेकअप के लिए, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट रहना है एंड फिर से गैस हो जाएगा। पहले अभी मैं अपने योगा वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ। हाँ डेफ, मतलब बात ये है कि मैंने अपना जनवरी की फ़ोटोज़ देख ली थी कल या परसों रात को, जनवरी का फ़ोटोज़ देख ली जब मैं फील्ड हुआ गई थी माजुली, उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ देख ली थी और मैं अभी का जो अपना पेट है ना, मैं अपना देख रही थी, ठीक है, कमर या पेट, गजब, देर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस। एंड द ओनली थिंग आई डू टू मेक इट, मतलब वेट आई शो यू, द ओनली थिंग आई डू इज दिस इज द ओनली थिंग आई डू एंड और कुछ नहीं करती, बस इसी को करती हूँ। नॉर्मल खाना, मतलब जो रोज़ मेरे घर पर भात बनती है, सुबह को ब्रेकफास्ट में भात खाती हूँ, कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता है, आओ कुछ भी खाओ, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ऑयली मत खाना, नहीं तो पेट में पत्थर वगैरह होने का बहुत मतलब चांसेस है, तो वो मत खाना। मैदा मत खाना बिल्कुल, मैदा इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर हेल्थ, ठीक है, ठीक बा। उसके बाद मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड मेरा भाई का नींद वैसे भी खुल गया है कि मैं सुबह सुबह उठ के व्लॉग बना रही हूँ, है ना, खुल गया ना तेरा नींद। आज मुझे हराएगा बोल रहे हैं कि मैं 10 बजे उठी थी ना कल, वो मुझे बीट किया, मतलब मुझे मेरे साथ चैलेंज किया कि मैं जितने बजे उठती हूँ उससे भी ज़्यादा लेट उठेगा, शायद उसका कोई काम नहीं है इसलिए सो रहा है, बकवास चल रहा है। एनीवे तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। एनीवे तो अपने योगा कर लेती हूँ, बाद याद आएगा तो बोल दूँगी। वफादार कुत्ता उठ गया, देखो अपना शक्ल देखता है सुबह सुबह, सोचता है खुद हैंडसम है लेकिन धोंदू है, बोंदू घोचू है, तो घोचू एक घोचू। कपाल भाती करा करो, कपाल भाती से ना स्टमक का जो बेली का जो भी आपका वो होता है ना, फैट्स होता है, वो सब कम हो जाता है। ट्रस्ट में मेरी मम्मी मुझे बहुत बोलती थी कि रामदेव को देख देख के उन्होंने मतलब किया है, लेकिन सच में हेल्प करता है। मेरा पेट जो है ना, मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ कोई असर नहीं पड़ता, मेरा अनुलम विलम और मेरा ये सुबह का कपाल भाती, इट हेल्प्स मी सो मच मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप करना स्टार्ट करो इधर, और एक बात, ऐसा नहीं है कि आपको बस इसको एक महीना दो दिन तीन दिन ऐसा करना है, एक महीना करना है दो महीना करना है, ऐसा नहीं, लाइफ टाइम करना है, तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने 6 महीने से मैं सात आज कौन सा महीना इस बार जुलाई ना, जनवरी से कर रही हूँ मैं, तो मुझे
सेवेंथ महीना में जाके मुझे ये रिजल्ट अच्छे से मतलब लगने लगा। और मैं थोड़ा और सुबह उठ के ना हमेशा सुबह उठ के ना कुछ एक हेल्दी सा जूस पीना, कुछ भी, तुलसी का पत्ता अगर घर पे है, ऑब्वियसली होता है सबके घर पे तो वो खाना। उसके बाद आप एलोवेरा जूस पी सकते हो, नहीं तो आंवला जूस गरम पानी के साथ पीना, नहीं तो नींबू पानी, नहीं तो हनी वाटर, कुछ एक हेल्दी पीना। सबसे पहले पानी पीना, नहीं तो वो हेल्दी पीना, उसके बाद जाके अपना डे स्टार्ट करना। क्योंकि जब वो आप कंज्यूम करते हो तो आपको बॉडी को अच्छा कुछ होता है, मतलब फैट्स के लिए अच्छा है, तो हेल्दी सा कुछ जाता है पेट में। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि मेरे दिमाग में पिज़्ज़ा बर्गर चीज़ मेयोनीज ये सब घूमता है ना, तो मेरे जैसे फूडी के लिए तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे जैसे आउट देयर बहुत सारे फूडीज होंगे जो लोग इतना फूड मतलब फूड देख लेते हो आजकल इंस्टाग्राम पे, इतने रील्स में ना वो आता है ना, इस शक्ल को देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है। इस शक्ल को देख के प्यार बहुत पहले से है, लव इज़ फर्स्ट साइट, वो वाला, तो वाला उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ हेल्दी सा कुछ पीना, उसके बाद मैं डिस्टर्ब करूँ। उसके बाद मेरा डे कैसे जाता है, आज बहुत सारे प्लान्स हैं। वैसे तो मैंने बहुत कुछ प्लान करके सोई थी कि ये सब करना है मुझे। हाँ ओके, आई एम समवेयर 5 मिनट्स अहेड। मैंने 9 बजे का ये प्लान किया था और 9 अभी बज रहे हैं, 9 बजने में 5 मिनट्स है। ओ माय गॉड, अप्रिसिएशन। चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो जो जो प्लान है मैं अच्छे से करूँगी, उसका मतलब अब जाके मैं थोड़ा पानी वानी पी के हेल्दी जूस। ये लैपटॉप का ये घन चक्कर प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होता, मतलब क्या करूँ पता नहीं इसका क्या किया जाए। रोज़ ऐसे खोलती हूँ, लगाती हूँ, उसके बाद फिर से ऑन करती हूँ, यही दिन का काम। कितना वॉलपेपर कितना सही लग रहा है ना, ये फ़ोटो मैंने माजुली में लिया था एक्चुअली, और मेरा ये तिल मुझे बहुत अच्छा लग रही है। अपना ये फ़ोटो देख के ना काफ़ी पॉजिटिव सा वाइब आता है, मतलब मेरा स्माइल देख के स्पेशली, कि मतलब कितनी फोकस्ड है विजन, मतलब कितना कुछ ड्रीम्स है आँखों में इस लड़की के, मतलब मुझे ना मतलब आई एम एडमायरिंग माई सेल्फ हियर सीरियसली। मैंने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ है जहाँ पे मैं खुद को एडमायर करती हूँ, जब से ये सेल्फ लव वाला चीज़ प्रैक्टिस किया है ना उस टाइम से, तो मतलब मेरा ऐसा हुआ है कि मैं ना खुद को काफ़ी तरीके से मैंने बहुत एडमायर करती हूँ लोग, मतलब मेरे को खुद को पता नहीं था। सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सेल्फ लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं दुनिया में। जब खुद से प्यार करने लगोगे ना दुनिया बहुत सुंदर लगने लगती है यार। कभी हाँ रिलैप्स होती है, कभी कभार आप सैड हो जाओगे किसी ना किसी टॉपिक पे, लेकिन मुझे रिलैप्स बहुत होते हैं, बहुत मतलब बहुत नहीं एकदम इतना बहुत नहीं, कभी कभार होते हैं। मुझे पास्ट याद आता है तो बुरा लगता है, रोना वोना आता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपसेट हूँ। लेकिन सेल्फ लव जिससे स्टार्ट किया ना तो उससे मतलब खुशियाँ एक अलग लेवल का हैप्पीनेस होता है लाइफ में। और मैं हूँ ऐसे कुछ स्माइलिंग लगता है ना कि मैं खुश है उतना लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है। हाँ यार, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। खुद को मोटिवेट करना, खुद को प्यार करना, खुद से मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो हॉस्पिटल आकर अपना काम स्टार्ट करते हैं। नहा के आने के बाद मेरा फेस कुछ इस तरह दिखता है। मेरे सारे कपड़े हैं ना मेरे घर पे, मत पूछो। एनीवे गाइस, कुछ बोलने वाली थी, भूल जाती हूँ। मैंने बेसिकली साड़ी पहनने की कोशिश करी है, मतलब साड़ी पहनने की कोशिश करी है। अभी मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन मतलब ये जो साड़ी है, मतलब एक साड़ी थी बहुत पहले की नहीं, मतलब एक आंटी ने मम्मी को दिया था, मतलब ओके आई हैव टू ओपन दिस। अरे ये गोल्ड वोल्ड पहनने से ना प्रॉब्लम यही है कि चश्मे का डब्बा किधर गया, और चश्मे का वो डब्बा पास कर दो। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। लोग अच्छे अच्छे जगह में ये सब रखते हैं ना, मैं चश्मे के डब्बे में रखती हूँ। एनीवे आई विल वेयर दिस। मेरे पास ये एक ईयर पीस है, दिस विल लुक गुड, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो ये पहननी है, मैं ये पहनूंगी और इसको थोड़ा टचअप करूंगी, लेट्स सी कैसा लगता है देखने में।
बाल पूरे गीले हैं, पूरे नहीं मतलब आधा गीले हैं, क्योंकि नहा के आए अभी और नहा के आके तो आउश बच्चा यार सिमसिम। ये एक टॉप था मतलब बहन का हाफ स्लीव्स टॉप, मैंने उसको पहना, पता नहीं कितनी घटिया दिखूंगी इसमें, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही हूँ पहनने के लिए, मतलब कुछ अलग थोड़ा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, घर तो कुछ काम है नहीं, और काम है बहुत सारा है, लेकिन फिर भी मुझे मन कर रहा है लेकिन करूँ मैं करूँ। मेरा स्मॉल छोटा छोटा जो बिंदी है ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया, मुझे छोटा बिंदी और ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली मैं आजकल घर पर लगाती रहती हूँ। ओके आजा भाई सिंसिम आजा। मैंने क्रीम ही नहीं लगाया फेस पे, क्या कर रही थी मैं। वेट तुम गाना मत गाना, ये गाना मेरे मुंह पे भी आ रहा है अभी, लेकिन गाना मत ठीक है भाई, प्लीज गाना मत। ओके सो पहले लोग पहले ये सब करते, पीना पहने नहीं किया, तो कुछ क्या करने की कोशिश करो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ कर रही हूँ। ऐसे एलिटिन का आई लाइनर, आई लाइनर कभी एक्चुअली एक तरफा होता नहीं है, हमेशा दो दो होता है इन द सेंस, ये कुछ अलग दिखेगा ये कुछ अलग दिखेगा हमेशा। सर जितना भी प्रैक्टिस कर लो, सर अभी भी ये अलग अलग ही दिख रहा है, अलग अलग ही दिख रहा है शायद, प्रिटी श्योर अलग अलग दिखेगा, आई एम प्रिटी श्योर। ओके आई एम डन विद माई आईज, लेकिन ये ब्लाउज के साथ ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, विच आई कैन फील। ठीक है मतलब सच में फील समझ में आ रहा है कि मेरे ब्राउन कलर का लिपस्टिक था पता नहीं कहाँ घूम गया, सो आई एम गोइंग टू शैल आई अप्लाई दिस, नहीं रुको कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसका, कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं दूसरा लिपस्टिक। हाँ हाँ मेरे पास ये जो ब्राउन कलर का लिपस्टिक है ना ये मिल गया आई थिंक, तो दिस कैन गो विद दिस। गर्मी के टाइम पसीना बहुत आता है, एक मिरर इधर आओ। अब लग रही हूँ सुंदर, अरे पहले मुझे याद क्यों नहीं था। गजब हो गया यार, सूखने देना चाहिए था। एनीवे कैमरा में इतना समझ में नहीं आ रहा है, फोटो इस तो लेना है और क्या करना है बस।
हो गया, बन गई मैं अच्छी सच्ची। अगर आई थिंक और क्या करूँ, बालों का क्या करूँ मैं यार। Wanna look my dulhan look or what? कुछ अलग करना चाहिए था इसके साथ, कुछ अलग इस तरह कर सकते हैं। It's like, let me just clip it up. Okay, not like this. पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। Wait. I'm trying to make it like this something. ऐसा कुछ मतलब something unique, ठीक है? ऐसा कुछ दिख रहा है सामने से। सामने से कुछ अभी कैसे दिखाओ यार, कोई हेल्प तो कर दो। नहीं मतलब दिस इज द आउट, मतलब वैसे तो नॉर्मल साड़ी है ये, और इसको इस तरह पहन सकते हैं। खुले ही अच्छे लग रहे हैं शायद। शिट, ये जो मैंने किया है इसका मैं क्लिप तो मतलब शूट, मैंने बटन दबाना भूल गया। ये जो मैंने किया, मैंने नॉर्मल सी साड़ी पहनी थी, अब जाके मैंने ऐसा कर लिया। एंड देन तुम एक बार मुझे देखो तो सही, और एक बार दिखा दो कैमरा पकड़ के, प्लीज़ दूर से एक बार दिखा दो। थोड़ा तुम दूर जाओ, मुझे बस दिखाना है खुद को। दिस वॉज अ क्रॉप टॉप आई ओर, ठीक है? और ये एक नॉर्मल सी साड़ी थी, और इसको मैंने लाइक इस तरह, और आप इसको खोल के भी ऐसे नॉर्मली इसको आप ऐसे करके पहन के भी लाइक एक मेरी बहन पीछे हंस रही है, ठीक है? और रुक, फोन तो काटता है, रुक रुक, तू ब्लॉग में सुन लेना। कौन है, प्रिया है क्या? फोन पे मारूंगी, ऐसा मत हंसो, दिखा मत यार। वो थोड़ा दो मिनट बाद फोन कर, कैमरा इधर रख, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ है, आई थिंक नाउ यू कैन सी मी। ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है एक्चुअली, और इसको अगर ऐसे भी करे तो भी अच्छा ही लग रहा है शायद, मतलब कुछ क्या करूँ मतलब समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, कि कैमरा मैं कैसे सेट करूँ कि अच्छे से आए वीडियो। अभी शूट हो रहा है ना? हाँ शूट हो रहा है। अरे क्या यार, मेरे को थोड़ा काजल जैसा पोज मारना है, रुको यार। अर्पिता यार तुम थोड़ा हेल्प कर दो ना। की हेल्प? मतलब थोड़ा कैमरा में पकड़ के दो ना, मुझे दिखा दो एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे देखो वो तो लाइट आ रहा है ना, तो समझ अच्छे से नहीं आ रहा मतलब। गाइस वैसे कैसा लगा ये लुक ज़रूर बताना। मैंने बहुत मेहनत से ट्राई करी है, कोशिश करी है अच्छा कुछ दिखाने के लिए। तो लुक आप कुछ इस तरह कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल इसको अच्छे से खींच के, मतलब एकदम इसको अच्छे से इस तरह खींच के, एकदम टान के इसको लगा के, उसके बाद इसको ऐसे करके राउंड करके इसको सामने से, रुको यार, हाँ इसको इस तरह ला भी सकते हो, तो और शायद ये थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक मतलब लग सकता है, क्योंकि ये एक सलवार जैसा, मतलब आपका जो चुन्नी होता है ना, चुन्नी जैसा बन गया ये, अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हेयर्स को सामने कर दो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। दूर से दिखा देती हूँ थोड़ा, मतलब ये पार्ट आपका कुछ इस तरह ओपन थोड़ा सा रहेगा, मतलब यहाँ पे आप कुछ खुला भी पहन सकते हो, मतलब यहाँ लॉन्ग, मैंने तो बस टॉप पहना था तो इस तरह इसीलिए ऐसा हो गया। देखिए आई थिंक इट्स गुड, लुकिंग नाइस।
और इतना कोई अच्छे से मैंने हाई फाई कुछ नहीं पहना, बाकी इसको अच्छे से पिन अप करके पहनने से शायद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लगा के एकदम फिर जाके इसको राउंड करके यहाँ पे एक पिन लगाने से शायद ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ओवरऑल इट्स लुकिंग नाइस। मतलब मुझे तो ये पार्ट एटलीस्ट मुझे ये वाला चीज़ तो बहुत ही अच्छा लगा कि इसको किस तरह कर सकते हैं। कैमरा का हालत तो कैमरा सेट नहीं कर पा रही हूँ मैं यार, मुझे इसी बात का दुख है, लेकिन क्या कर, इधर भी लाइट उधर भी लाइट किधर रखूँ मेरे घर पे ना, इसीलिए मैं शूट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लाइटिंग की बहुत दिक्कत है। मैं घर पे भी करूँ तो नहीं होती है, अगर मैं बाहर भी करूँ तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ज़्यादा टाइट हो रहा है, फिर थोड़ा लूज़ कर देते हैं इसको। हाँ, इसको इस तरह भी थोड़ा कर सकते हैं ना, अच्छा लगेगा। आई थिंक वाइट कलर के, मेरे पास एक वाइट कलर का टॉप है शायद फुल स्लीव, उसके साथ करने से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है गैस। मैं एक ऑरेंज साड़ी भी ट्राई करने वाली थी, लेकिन वो ब्लैक कलर का ब्लाउज़ मेरा नहीं मिल रहा। ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है, वो खुद ढूंढूंगी, ढूंढने के बाद वो अगर मिल जाएगा तो उसके साथ वो ब्लैक वाला पेयर करूँगी, और उसके साथ भी थोड़ा ऐसा कुछ तब करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइज, मेरा ये लुक कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ इसमें ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कैसा लग रहा है। एंड देन चलो और देरी ब्लॉग अभी चेंज कर लेती हूँ, बहुत गर्मी है वैसे तो। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो भी मुझे देख रहे हैं, जिनका भी मुझे एक बात बतानी थी कि जिनका भी स्किन कलर मेरे जैसा डस्की कलर है ना, और तो आप लोगों को ना मतलब ऐसा है कि डोंट चूज दिस काइंड ऑफ लिपस्टिक जो पिंक है, रेड है, रेड कलर का, पिंक कलर का, डीप पिंक, ऐसा चूज़ मत करना। न्यूट कलर चूज़ करना लिपस्टिक, जैसे कि मेरा ये ब्राउन वाला था, एक ब्राउन मैंने फिर से दिखाया था, ये वाला जैसे कि उस दिन भी सगाई वाले व्लॉग में भी ये वाला कलर मैं दिखाती हूँ, ये वाला एक है, ये वाला भी पिंक कलर का ही आता है, उस दिन मैंने उस व्लॉग में लगाया था शाम के इवनिंग सनसेट वाले व्लॉग में। तो दिस काइंड ऑफ लिपस्टिक सूट्स इन डस्की स्किन में ज़्यादा अच्छे से, मतलब अगर पहले मेरे को लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद जब मैंने लिपस्टिक लगाना स्टार्ट किया, फिर मैंने रेड पिंक ये सब स्टार्ट किया, तो सूट नहीं करता था इतना ज़्यादा, वो निखरा हुआ नहीं फील होता था। अगर मैं लिटरली ये वाला कलर लगाऊं, ठीक है ये वाला अगर पिंक कलर लगाऊं, लिटरली मेरे पर सूट नहीं करता इतना ज़्यादा जितना करना होता है, ठीक है। और ये सब कलर अगर मैं लगाऊँ ना, ब्राउन कॉफ़ी कलर, बट मतलब जो भी ब्राउन का जो भी शेड है, न्यूट कलर जो भी शेड है, वो सब कलर ज़्यादा सूट करते हैं। सो हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करो इस सब चीज़ों का, मतलब ये सारे कलर्स चूज़ करने के लिए, तब जाके वो आपका फेस पे, कोई भी आप कोई भी आउटफिट पहनो ना, वो जाके आपके फेस को और ज़्यादा निखरा हुआ दिखाता है, एंड यू लुक हॉट, आई एम टेलिंग यू गर्ल्स विद डस्की कलर। और ये वाला कलर तो इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ, मुझे तो अपना स्किन कलर इतना पसंद है ना, आई जस्ट लव इट। बचपन में मुझे ऐसा था कि मैं काली हूँ, मुझे ऐसा होता था, सोसाइटी वैसे करती थी ना, लेकिन जब मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आने लगा कि कलर ऑफ द स्किन कैसा क्या होता है, मेकअप वगैरह थोड़ा जितना भी मुझे फैशन वगैरह पता है कुछ भी, मुझे ये पता चलने लगा कि ये कलर इज़ द बेस्ट कलर, मतलब आई जस्ट लव माई स्किन कलर सो मच डस्की। और ये वाला लिपस्टिक में ना इतना ज़्यादा एक फेस पे एक हॉटनेस सा दिखता है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। एनीवे गाइस, ये इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, जिनका वैसे डस्की कलर है, जो लोग बहुत फेयर कम्प्लेक्शन उन पे रेड वगैरह सब सूट करता है अच्छे से, लेकिन ऐसा है कि मुझे इतना फैशन के बारे में नहीं पता, मैं बस अपनी कलर स्किन कलर के बारे में बता रही हूँ, इसमें इतना ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। तो जब से खरीदना न्यूट कलर खरीदना, सब ब्राउन थोड़ा सा चॉकलेट कलर खरीदना अच्छा लगता है। इसका काम ख़त्म, मेकअप का काम ख़त्म, अभी चलो रियल काम स्टार्ट। भात बना रही हूँ मैं यहाँ, वो मेरा है, उसको वहीं पे रख दो, तुम जो देखना है देखो फिर वहीं पे रख दो। अनुष्का यहाँ मर गया, अनुष्का मेरा वीडियोस देखता है, खाना खाए थे, अभी ऐसे नहीं बैठेगा, अभी ऐसे बैठेगा ऐसे। क्या ढोला का बर्थडे में गया था, और वो मेरा दोस्त का दादा का बेटा था, कितना क्यूट था ना बच्चा, तू हंस रहा था पहले। हाँ एक मोबाइल था, अभी क्या है, बिंदी है, ये क्या है रे मुझे भी नहीं पता, ये क्या है, ORS ला के रखा हो, ये बिंदी है, ओए एजे डॉक्टर ए पाइसी ईटा, अरे उठा तो अनुष्का, डॉक्टर का वो ब्लड टेस्ट वाला,
अरे यार अभी मिलेगा कि नहीं बा पता नहीं, ये घूम गया था। थैंक यू अनुष्का, इसको निकाला तुमने, नहीं तो ना अभी। हाँ हाँ ये वाला भी चाहिए, मेरा बिंदी खत्म हो गया, अभी इसको यहाँ पे सामने रखना। अच्छा है, तेरे को लिपस्टिक चाहिए? लिपस्टिक लिपस्टिक चाहिए, ले जा, कौन सा पसंद आता है वो यहाँ में से, कौन सा पसंद आता है ले जा। और तो देने लायक कुछ है नहीं। इरेजर चाहिए? बहुत पुराना इरेजर, नहीं ये तो ख़राब हो गया, और उफ ब्लेड था कट गया, ब्लेड पकड़ने से कट जाता। ये बहुत इरेजर है तेरे पास? हाँ, जो जो लिपस्टिक पसंद आए ले जा। मैंने बताया था ना आपको कि मैं पहले बहुत रेड वगैरह ये सब कलर लगाती थी, दिखा वो पिंक कलर खोल। हाँ ये ऐसा पिंक कलर का लिपस्टिक था मेरे पास, ये सब लगाती थी मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसे कलर्स नहीं लगाती, ऐसे कलर्स नहीं लगाती अभी, और क्योंकि अभी वो तेरा भी पिंक पिंक है। फिर भी इन तीनों में से कुछ अगर चाहिए तो ले जा, नहीं तो सब ले जा, तेरा मर्जी, तेरा मर्जी। हाँ ले जा, और स्नेहा को भी दे देना, स्नेहा को ले जा। किधर में, किधर में? हाँ वो इतना लिपस्टिक लगाती है बा, उसको बोलना मुझे दे दे मुझे वीडियो बनाने में हेल्प हो जाएगा। पैकेट पैकेट, लेकिन मामा के घर पे ले जाई थी ना, इसलिए वहाँ बेचते थे ना टॉवेल टॉप, उसलिए वहाँ दी टॉवेल। मामा घर जाके, मामा घर जाने के बाद वहाँ पे रख के आया। कहाँ जा रहे तू, कहाँ जा रहे? उफ सारे तीन ही बज जाते हैं हम लोग का लंच करते करते, हमेशा लेट आ जाता है। तो क्या खाया लंच में आज? जोर जोर से हंसता है ये। चिकन खाया, चिकन खाया तू? वाह, ये लोग का घर में बहुत सारा चिकन है एक्चुअली, चिकन मतलब मुर्गी बहुत सारा है ना, का 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 पोल्ट्री फार्म लागे पोल्ट्री फार्म लागे। हाँ और ये लोग के पास तो बिल्ली होता है, कुत्ता भी लेके आता है। पहले यो थी होनी। तुम एक बात बताओ, तुम इतना बदमाशी कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? हाउ? थैंक यू, यहाँ पे गर्म है, रख रहे हैं। हाँ कैसे कर लेते हैं? अरे इधर आओ तो, अरे तुम कैसे कर लेते हैं? ये चाकू से नहीं काटेगा, हम बोला ना ये चाकू से नहीं काटेगा। उफ ये नींबू नहीं है, नहीं है ये मौसम्बी है, मीठा एक फ्रूट होता है, जूस होता है उसमें मौसम्बी, तो उस चाकू से नहीं काटेगा, मम्मी को दे, मम्मी काट देगा। बाप रे बाप, कैसे कर लेते हैं ये? लक लक करने वाला है, दिखाओ लक लक। ऐसा किस करना पड़ता है, ऐसा कुछ किस करना पड़ता है मतलब इसको। एनीवे गाइस, गुड नाइट। आज का व्लॉग जैसा भी लगा, कैसा भी लगा, बहुत मस्त लगा होगा। अभी सोने का टाइम है, रात के 11 बज रहे। लव यू ऑल, टेक केयर।